हे, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइव ब्रो में। मेरा नाम है ब्रो और आप देख रहे हैं लाइव ब्रो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंट्स प्रॉक्सी सर्वर फास्ट वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, इसको पॉइंट वीपीएन भी कहते हैं। रेटिंग पॉइंट की बात करें तो 4.2 होने के साथ साथ इसको 10 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। और दोस्तों, सिंपल ये 13 जनवरी 2023 को रिलीज हुआ है, लेकिन 7 अप्रैल 2023 को अपडेट भी हो चुका है। अब इसको कैसे करना है, इसका सही तरीका क्या है, इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, इसको किस किस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम अपनी स्टूडियो में आपको बताएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को आखिर तक के देखना ताकि आप इस एप्लीकेशन को यूज करने का सही तरीका पता कर सके। दोस्तों, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो कुछ टाइम हमको लगता है। यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी आपको देखने के लिए मिलती है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और उसके बाद में आपको नीचे की साइड में गो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गो पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ एडवर्टाइजिंग वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, एडवर्टाइजिंग को आपको ऊपर साइड से हटा देना है दोस्तों, ताकि आप आसानी से एप्लीकेशन को यूज कर सके। यहाँ पर होती है डाउनलोडिंग स्पीड, यहाँ होती है अपलोडिंग स्पीड। दोस्तों, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हमको पहले आ जाता है, देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट वीपीएन और यहाँ लिखा हुआ है अनकनेक्टेड। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको यहाँ पे फ्री अमेरिका के ऊपर क्लिक करना। दोस्तों, अमेरिका पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अलग अलग कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जैसे जापान, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, इटाली। तो आपको किसी एक कंट्री पे क्लिक करके उसको आगे ले जाना है। तो यहाँ पर मैं कनाडा के ऊपर क्लिक कर दिया डेमो के लिए। जैसे मैंने कनाडा पे क्लिक किया दोस्तों, ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट देखने के लिए मिलेगी, तो उसके लिए भी आप ओके कर सकते हो। थोड़ी देर में कनेक्ट होता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है हमें, थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ है कि आप जब चाहे इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इसको मैं ऊपर की साइड से एडवर्टाइजिंग को हटा देता हूँ। ये कनेक्टेड हो चुका है, यहाँ पे टाइम भी स्टार्ट हो गया, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड आपको दिखाई दे रही है और अपलोडिंग स्पीड भी। अभी मैं ना तो कोई चीज डाउनलोड कर रहा हूँ, ना ही कोई चीज अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए आपको स्पीड कम दिखाई दे रही है। बट आप इसको आसानी से यूज करके आप इसका फायदा ले सकते हैं। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद हमसे आप फीडबैक दे सकते हैं, इसके ओनर को इससे बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।